नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। स्वागत है आपका एक खबर में। आज हम मौजूद है दिल्ली के बिजबासन में, जहां पर कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है और ये कुश्ती का आयोजन भाई पवन की याद में कराया जा रहा है। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रवीण राणा ने अपने भाई पवन की याद में विशाल कुश्ती यानी दंगल का विजयासन में आयोजन किया। दंगल का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक जी, अर्जुन अवार्डी पहलवान कृपा शंकर बिश्नोई जी, प्रमोद मास्टर जी, कोच सत्य प्रकाश द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय यादविंदर सिंह संधू जी, पौत्र शहीद भगत सिंह जी, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी, अर्जुन अवार्डी पहलवान दीपक पुनिया, ओलंपिक कुश्ती कोच ध्यानचंद अवार्डी अनिल मान जी, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी, द्रोणाचार्य अवार्डी महासिंह राव जी, ओलंपिक कुश्ती कोच अर्जुन अवार्डी राजीव तोमर जी, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच अर्जुन अवार्डी सुरजीत मान जी, सुरेंद्र सोलंकी, अर्जुन अवार्डी शूटर मनु भाकर जी, वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स 2022 गोल्ड मेडल विजेता भगवानी देवी डागर जी, हरियाणवी गीतकार एमडी देसी रॉक स्टार पहलवान नितिन राठी जी, कोच सुरेंद्र कादियान, पहलवान रोहित अहलावत, चांद रूप अखाड़ा अमित ढाका, बड़ूसराम से रणबीर सांगवान, सतपाल सांगवान जी, रामबीर सांगवान जी, वीरेंद्र सिंह जी, गणमान्य व्यक्तियों ने दंगल में आकर दंगल की शोभा बढ़ाई। प्रवीण भाई ने भी दंगल में आए सभी विशिष्ट अतिथियों का पगड़ी पहनाकर, नोट की माला पहनाकर और साथ में मोमेंटम देकर स्वागत किया। बिजवासन गांव में हुए इस प्रकार के पहले दंगल का दादा चंद्राम, दादा चंदगी, दादा भागीरथ, विजय सिंह ग्रेवाल, बलवीर सिंह, पूर्व पार्षद नरेंद्र जटराणा जी, पूर्व डिप्टी मेयर प्रवीण राणा जी, समाज सेवी सत्येंद्र राणा, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जयवीर राणा जी, सुरेंद्र राणा जी, संजय राणा जी, द्वारका से पार्षद सुषमा रविंद्र गोदारा जी, जयवीर राणा जी, रमेश राणा जी, पहलवान नरेंद्र ठाकरान जी, पहलवान शमशेर राणा जी, पहलवान कुलदीप राणा जी, पहलवान गिरी जी, पहलवान डब्लू जी, सभी ने इनका मान सम्मान किया। दंगल को सफल बनाने के लिए एरोशिप लॉजिस्टिक से विशाल सक्सेना जी, रोशन हाइड्रॉलिक्स से राघव झा जी, अनाया फाउंडेशन से अमित राणा एवं शहीद भगत सिंह ब्रिगेड बिजवासन टीम के सदस्य सुखवीर राणा जी, यज्ञदत्त राणा जी, सतीश सैनी जी, सत्येंद्र राणा जी, ललित कुमार जी, राहुल कुमार जी, दिनेश सिंह जी, दिनेश कुमार, जसवंत सिंह, टीटू सिंह, वीरेंद्र राणा, कुलदीप राणा, दंगल का समापन माननीय यादविंदर सिंह संधू यानी पौत्र शहीद भगत सिंह जी ने सबसे बड़ी कुश्ती में पहला इनाम जिन विजेताओं ने जीता उन्हें 31,000 रुपये देकर सम्मानित किया। दंगल में आए हुए सभी कोच, रेफरी, पहलवानों का शहीद भगत सिंह ब्रिगेड बिजवासन एवं समस्त ग्राम बिजवासन तहे दिल से धन्यवाद करता है। ये भाई तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी याद में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इससे पहले भी तोमर साहब आपने देखा, हमने हर बार स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगवाया है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा हटके कुछ पहलवानों से संपर्क में आके भाई दंगल से शुरुआत की जाए। तो हमारे गांव में तो जी दंगल कभी हुए नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। देखते हैं भगवान हमारा कैसा अपना आशीर्वाद हमें देता है, ताकि भाई की याद में इसको आगे और बड़े रूप में किया जाए। कितने बच्चे खेलने आए और कहां से? लगभग जी देखो, ज़्यादातर जो पहलवानों का जोर है वो हरियाणा से ही है। अब गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से कम 200 के करीब पहलवान अलग अलग वजनों में यहाँ आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि भाई 30 किलो से लेकर 86 किलो तक का जो हमने यहाँ वजन रखा हुआ है, हर उसमें पहलवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखो जी, नौजवानों को इन पहलवानों से कुछ सीखना चाहिए, इन अतिथियों को देखना चाहिए। ये भी बहुत गरीब घर से निकले हुए हैं, लेकिन आज इस मुकाम पे बैठे हैं कि इन्होंने अपनी पीढ़ियों का नाम रोशन किया है। अगर आप नशे में रहोगे तो जी बदनामी है, अगर आप अच्छे खिलाड़ी या
पढ़ाई लिखाई में अगर आगे बढ़ते हो तो जी वो नाम आपको सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। अभी यहाँ पे जो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी या देवी आए उनका भी मान सम्मान ऐसा जी, मेहनत का फल मीठा होता है। आज आपने यहाँ जितने भी मुख्य अतिथि देखे हैं, इन्होंने मेहनत की है, नशे को नहीं चुना। और जो अर्जुन अवार्डी पहलवान ओलंपियन कोच आपने देखा, अलग अलग खेलों से यहाँ आए हुए हैं, इनका एक ही मोटिव था और वो है सबसे पहले डिसिप्लिन का। अगर आप नशे की तरफ जाओगे तो जी बदनाम। तो मैं तो ये कहूँगा कि नशे की तरफ ना जाके अपने घर परिवार को देखो, अपने गाँव समाज को देखो, उनका नाम रोशन करने की सोचो। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं तो बहुत आभारी हूँ शहीद आज़म भगत सिंह के परिवार का, जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और जिनके सौजन्य से मुझे आज इस कुश्ती प्रतियोगिता में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, हम फौजियों के लिए कुश्ती, बॉक्सिंग, मल्ल युद्ध, इससे अच्छा कोई स्पोर्ट नहीं है जो हमारे देश के बच्चों में जोश भरे, वीरता की भावना भरे, प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने की भावना भरे। क्योंकि हम तो यहाँ गांधीगिरी कर कर के, चरखे काट काट के, ये देश बहुत मतलब कमज़ोर हो गया है, हमारे जो प्रबल शक्ति जो है हमारे युवाओं की। तो आज ये कुश्ती प्रतियोगिता में, और वो भी हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों की, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की, ये बड़ी अच्छी प्रतियोगिता देख के बहुत दिल को मेरे सुकून चैन मिल रहा है, प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि हम कुश्ती का मल्ल युद्ध की परंपरा जो है बच्चों में हम अभी जीवित रख रहे हैं। और ये देखिए, इन्होंने भी कहा कि और कोई ऐसे ही लेक्चरबाजी के प्रोग्राम से अच्छा ये है कि हम कुश्ती और मल्ल युद्ध करें, अपने जो युवा हैं उनको प्रोत्साहन इससे प्राप्त हो। बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। देखिए, आज का जो आयोजन है हमारे स्वर्गीय भाई पवन राणा जी की याद में किया जा रहा है, और जिस तरह से आपने कहा पहलवानों का जोर देख के बहुत अच्छा लग रहा है और जोश आ रहा है देख के। देखिए, जो ये परिवार है राणा परिवार ब्रिजवासन का, जिसमें प्रवीण जी मेरे साथ खड़े हैं, ये परिवार शुरू से ही जन जागृति के अभियानों में लगा रहता है। चाहे युवा पीढ़ी को शहीदों के साथ नाता जोड़ना हो तो कई शहीदों के ऊपर मेले लगाए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, और एक चौक भी बनाया गया है यहाँ पे ब्रिजवासन में ही, जहाँ भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। उसी तरह देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना खेल है ये कुश्ती, और इसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि कुश्ती के लिए आयोजन होते रहें, इसके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, और तो और जो दर्शक हैं वो खिलाड़ियों के साथ जुड़ सकें, तो इस परिवार ने ये पहल भी करी है भाई स्वर्गीय पवन राणा जी की याद में। तो मैं उस परिवार को बहुत बहुत इस अच्छे कार्य के लिए बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भगत सिंह ब्रिगेडियर एक जो संस्था है उसके आप अध्यक्ष भी हैं, और प्रवीण जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके द्वारा किस तरह का संदेश देना चाहेंगे नौजवानों को, जिस तरह जो नौजवान है नशे की तरफ बढ़ते जा रहे, खेल की तरफ शायद कम जा रहे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसी अभियान को लेके ही जो मूल उद्देश्य है शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की स्थापना करने का, वो यही है कि युवा पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी को समझे, क्योंकि ये आज़ादी उनको बहुत त्याग और बलिदान के साथ हर भारतवासी को मिली है, तो कोई खैरात में नहीं मिली, बहुत लाखों लोगों ने हमारे को शहीदी दी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, किसी ने 23 साल की जवानी, किसी ने 26 साल की, तो यही हम बताना चाहते हैं कि इतनी कीमती चीज़ हमें जो आज़ादी मिली है, तो हमारे युवा इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा के नशों में ना जाएँ, क्योंकि किसी ने प्राण देके हमें ये आज़ादी दी है, तो अपनी उस जिम्मेवारी को समझें, नशों से दूर हों। नशा करना है तो देशभक्ति का करें, कुश्ती का करें, या समाज सेवा का करें, ताकि कैसा हिंदुस्तान वो युवा बना सकते हैं, क्योंकि उस युवाओं ने तो हमें आज़ादी दे दी, आज के युवाओं का फ़र्ज बनता है उस आज़ादी को कायम रखने के लिए, तो नशों से दूर रहने के लिए यही ब्रिगेड का मकसद है। इसीलिए आज कुश्ती आयोजन भी है, और जगह जगह हम शहीदों के ऊपर सेमिनार और कार्यक्रम करते रहते हैं। अब यही बोलती हूँ, सब अपने बच्चे को लिखाओ, पढ़ाओ, खिलाओ, कुदाओ, दौड़ करो, और दूसरे देश में भेजो, मॉडल जीत कर लाओ, अपने देश को रोशन करो। सबसे पहले तो मैं ऐसी जगह आती हूँ कहीं भी दंगल में, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि जगह जगह दंगल्स करवाए जा रहे हैं, कुश्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कुश्ती प्रेमी हूँ, और जब सब कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि उससे बच्चों का हौसला अफजाई होता है, उनको इनाम मिलता है, और उनके अंदर उत्साह होता है कि हम भी आगे जाके इंडिया के लिए पदक जीते। धन्यवाद। मैं जहाँ तक इस आयोजन की बात है, मैं प्रवीण भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने अपने स्वर्गीय भाई की याद में जो लगातार ये कुश्ती का दंगल कराते आ रहे हैं,
मैं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे आयोजन के लिए उनको शुभकामना भी देता हूँ। और ये केवल दो चीज़ों में फ़ायदा करता है, एक तो सबसे बड़ी बात कि ये अपने भाई की याद में इसको करा रहे हैं तो उनका नाम अमर हो रहा है, दूसरी चीज़ जो गांव देहात का टैलेंट है वो भी निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे टैलेंट निकल के आएंगे जो आने वाले टाइम पे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आयोजन वो हर साल ऐसे ही करते रहें, और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं हमेशा उनके इस कार्यक्रम के आयोजन में और भविष्य के लिए भी हमेशा मैं साथ हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी जो हमारे देखो जी, आज जो प्रवीण भाई साहब ने जो प्रोग्राम कराया है, कुश्ती का आयोजन कराया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भाई साहब ने कराया है, इसलिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया है छोटे बच्चों का। इनसे सभी बच्चों को एक कंपटीशन मिलेगा, बच्चों का हौसला बढ़ेगा। तो भाई साहब ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और अभी जो देखा जाए पहले मिट्टी में ज़्यादा कुश्तियाँ होती थी, अभी काफ़ी सारे दंगल जो मैट पे होने लगे हैं उससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे सब तरह के टूर्नामेंट मिल रहे हैं जो कि हमें बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलते हैं, तो उस जो अनुभव होता है हमारा, जो अनुभव बढ़ता है ये कॉम्पिटिशन खेलने से। तो मैं प्रवीण भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। जी सर, क्या कहेंगे आपके प्रोग्राम के बारे में? देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं प्रवीण भाई और ये सब टीम मिलके यहाँ पे, और यहाँ तो हम बहुत दंगल लड़े हैं बिजवासण में, बड़तल में, तो ये एक पहलवानी गढ़ रहा है। और आज बड़ी खुशी है, मेरे साथ द्रोणाचार्य अवार्डी महा सिंह राव जी, अर्जुनवाड़ी सुजीत मान जी, और हमारे बलतर गांव से रमेश पहलवान जी है, प्रवीण जी है, जो आयोजन करा रहे हैं सब मिलकर। बहुत खुशी की बात है, इससे क्या है जो नई जनरेशन है उसको एक मोटिवेशन मिलता है। और फिर हम लोग आते हैं, बच्चे सोचते हैं कि चलो हमें भाई जब इतने अच्छे अच्छे पहलवान आए तो हमें इनसे भी अच्छा बनना है, तो एक समाज के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। बच्चे बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया है, पहले मिट्टी में कुश्ती कराया करते थे, अब मैट का हो गया, तो कितना मतलब आगे बढ़ रहा है? नहीं, बहुत आगे बढ़ रहा है। अब तो देखो आप, हमारा कितना अच्छा भविष्य है, ओलंपिक में मेडल आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, तो मैं इसको प्रवीण भाई को बधाई दूंगा कि ऐसे आयोजन हर साल कराते हैं जिससे कि नए बच्चे आगे निकले और हमारे एक समाज में अच्छा मैसेज जाए। मैं महा सिंह राव, द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ। क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम? मैं आज के प्रोग्राम के बारे में, मैं आज के प्रोग्राम के बारे में, ये पवन भाई की याद में इन्होंने जो दंगल करवाया है, ये अपने आप में बड़ा एक ऐतिहासिक, नई जनरेशन के लिए, नए बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन का काम है। इसमें जैसे प्रवीण भाई है, सतपाल है, या ब्रिजवासिन की जो कमेटी है, बर्थल से रमेश है, जितने भी लोग हैं, इन्होंने इसको एक नया आयाम दिया कि पहले कुश्ती जैसे मट्टी के दंगलों में होती थी, मट्टी के अखाड़े पर होती थी, इन्होंने रेसलिंग मैट के ऊपर ये करवा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के सभी दिग्गज पहलवान, अब मेरे साथ अर्जुन वाड़ी ओलंपियन जो ओलंपिक में कोच गए, राजीव तोमर पहलवान जी जो 35 बार का भारत केसरी है, अर्जुन वाड़ी ओलंपियन, अभी हाल ही में भारत सरकार की कृपा से बहुत सारे अवार्ड लेने, आज बजरंग का पर्सनल कोच है सुजीत मान जी, अर्जुन वाड़ी कृपा शंकर है, और भी बहुत सारे पहलवान आए, रमेश जी, तो मैं कहता हूँ इस तरह से बच्चे बड़े खिलाड़ियों को देख करके प्रोत्साहित होंगे कि हमें भी इस तरह से बनना, और आगे इस तरह का ये आयोजन करते रहें और कुश्ती का इस तरह से प्रचार करते रहें, क्यों अब कुश्ती का भविष्य उज्ज्वल है। मैं सुजीत मान, अर्जुन वाड़ी और ओलंपियन पहलवान, इंडिया टीम का कोच हूँ। मैं सबसे पहले भाई पवन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, आयोजनकर्ता जो हैं इस दंगल के, भाई पवन जी हैं, सतपाल जी हैं, या जो भी इनकी कमेटी है, उनका बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले कुश्ती मिट्टी में होती थी, अब मैट पर आ गई है, छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा अवसर मिल रहा है उनको आगे बढ़ने का, ये बड़ा ही अच्छा काम है, उनकी उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और आगे आने वाले टाइम पर यही बच्चे जो छोटे हैं ये बड़े होके देश का नाम रोशन करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। सर, क्या कहेंगे आज बिजवासन में आए और जिस तरह यहाँ पे देख रहे हम जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित भी आपने किए? भाई देखो, यहाँ हमारे भैया ने आने का मौका दिया हमको, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, और खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, नशे को दूर करने का संदेश दे रहे हैं, साथ में भगत सिंह के प्रपोटर यहाँ मौजूद हैं,
इससे बड़ी बात क्या होगी जो हमें भी आने का मौका मिला। देखते हैं जो आपने नशे की बात की, जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं, खेलों की तरफ बहुत कम नजर आते हैं। देखो हम जैसे और आप जैसे भाई साथियों के खेलों को बढ़ावा देते रहेंगे तो उससे भी दूर होंगे, धीरे धीरे सब होगा। परवीन जी ने आज अपने भाई की याद में आयोजन किया, परवीन जी को और यहाँ की संसद हमारे महानायक भाई प्रवीण जी ऐसे ही काम करते रहो। देखो इसके लिए तो कोई ना कोई मौका चाहिए, उन्होंने अपने भाई की याद में किया है, काम अच्छा है, करते रहो। निर्वाचन में जिस तरह प्रवीण जी ने अपने बहुत अच्छा लग रहा है, आज युवाओं में जोश है और भाई पवन जी की याद में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। लोगों को इसका बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि हर जगह से नौजवान खेलने आए हुए हैं और अभी 51,000 की भी कुश्ती का अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे पहलवान यहाँ पे आए हैं, इंटरनेशनल पहलवान भी यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे क्योंकि कुश्ती में आपने भी पदक आप देख रहे हैं, संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता सर, बच्चों को संदेश यही है कि जो भी कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कोई भी लक्ष्य है तो उसको ठान लेने के बाद ज़्यादा दूरी नहीं बचती है, बस वो और भी ज़्यादा मेहनत करके बहुत जल्दी से हम उसको लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो हिम्मत ना हारें और मेहनत करते रहें। अर्जुन अवार्डी, आपको कितनी मेहनत लगती है आगे जाकर? जैसा कि मैंने कहा कि बस लक्ष्य बनाने की देर है, लक्ष्य बनाने के बाद उसको उसके पीछे दौड़ना, उसके पीछे मेहनत करना, वो फिर भी थोड़ा उसकी सबसे पहले होता है कि आपको ये लक्ष्य सेट करते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये कामयाबी हासिल करनी है या फिर ये मुकाम हासिल करना है, और जब आप निश्चय कर लेते हो कि मुझे ये ही हासिल करना है, उसके बाद की सीढ़ियाँ काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो बस मेहनत और क्या कहेंगे बिजवासन में आए जिस तरह की आज कुश्ती आप देखते हैं। मैं आज जो टूर्नामेंट चल रहा है कुश्ती का, उसके बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई प्रवीण राणा जी जो अपने स्वर्गीय भाई पवन जी की याद में टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से बच्चों को अलग अलग वेट कैटेगरी में नगद राशि व टूर्नामेंट में टूर्नामेंट के जरिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा व कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा। और प्रवीण राणा जी के जरिए अपने भाई की याद में एक बहुत अच्छा और सामाजिक कार्य हम इस टूर्नामेंट को कहेंगे, जिससे अलग अलग समाज में नगद पैसे व अलग अलग इनामों के जरिए कुश्ती व गरीब बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। देखो ऐसा है, ये प्रोग्राम प्रवीण राणा जी ने जो अपने भाई की याद में कराया है, बहुत ही अच्छा उठा है और इससे पहलवानी जगत को स्पष्ट जो नए पहलवान हैं वो उत्साह मिलेगा और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि भाई प्रवीण राणा जो अध्यक्ष है शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के, ये इस गांव निर्वासन के साथ सहयोग लेकर और ये आगे प्रोग्राम करते रहे। इसमें हम जो दौलताबाद से हैं अध्यक्ष है हमारे और हमारा कमांडर जो भी आदमी है वो इसमें फुल चढ़ कर भाग भी लेगा और सहयोग भी करेगा, यही हम भाई से भी उम्मीद करते हैं और हमारा आश्वासन है। ये हमारे गांव बिजवासन में बहुत अच्छा प्रोग्राम आया, हमारे जो युवा पहलवान हैं जो कि हमारी पहलवानी ख़त्म हो गई थी, उन नौजवानों ने हमारे गांव को, हमारे गांव को हांड को पहलवानी को जिंदा दिया कराया और खेल में काफ़ी प्रभाव आगे आने वाले की पीढ़ी जो हमारे नए बच्चे हैं उनको शौक होगा, जो बच्चे इधर उधर ना जाएं अपने खेल में पढ़ाई में ध्यान दें, इससे हमें काफ़ी वो प्रभाव पड़ेगा। और हम बड़ी खुशी हुई आज हमने गांव को हांड को देखते हुए अपने बिजवासन गाँव में हैं और आस पास क्या हुए, हमारे कोच साहिबान और हमारे पहलवान बहुत ही आभारी हैं उनके, बहुत इतना योगदान दिया सभी कोचों ने, गांव वालों ने, सबकी मदद से हम ये दंगल कर रहे हैं और हम आगे भी ऐसा प्रोग्राम हम करते रहेंगे।
क्या कहेंगे आज बिजवासन में और जिस तरह से बच्चों की कुश्तियाँ चल रही है उसको आप भी देखिए। अपने भारत में सबसे बड़ी कुश्ती का शायद भाई परवीन राणा जी 6 नवंबर आज के दिन अपने भाई पवन की याद में जो ये अच्छा कुश्ती टूर्नामेंट करवा रहे हैं मैट पे अलग अलग वेट कैटेगरी का और अलग अलग इन्होंने इनाम रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, इससे बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलेगा, कुश्ती को भी प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चों को बढ़ावा मिलेगा, कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, उन्होंने अपने स्वर्गीय भाई पवन जी की याद में जो गरीब बच्चों को इस टूर्नामेंट के माध्यम से नगद इनाम व कुश्ती टूर्नामेंट के जरिए जो प्रोत्साहन दिया है हाँ ये बड़ी अच्छी और एक हमें गर्व की बात। क्या कहेंगे जिस तरह आज यहाँ पे पहलवानों को देखा जा रहा है में और आयोजन किया? सर ये नौजवानों का यश है, इन सभी को प्रोत्साहन करने हम लोग यहाँ आए हैं एज ए स्पॉन्सर प्रवीण भाई की याद में। हम लोगों ने यहाँ पे प्रतियोगिता में थोड़ा अपना सहयोग दिया है जिससे इन लोगों का उत्साह और बढ़ाया जाए, ये लोग कुछ ओलंपिक और अच्छे मेडल प्राप्त कर सके आगे चल के, इनका प्रोत्साहन बढ़ाने आए हम लोग। क्या कहेंगे, आपने भी जिस तरह मैं देख रहा था सहयोग पूरा कर रहे हैं और काफी देर से यहाँ पे मैच भी देख रहे हैं। सर एक्चुअली रेसलिंग का जो मैच है ना ये भारत का उमड़ता हुआ स्पोर्ट्स है, इसमें जितना अपना सपोर्ट किया जाए उतना कम है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना जितना भी सपोर्ट कर सकता हूँ टाइम से सहयोग से आत्मा से यहाँ पे प्रवीण भाई की याद में हम लोग सहयोग देने आए हैं। जो हम बच्चों की बात करें या नौजवानों की बात करें, जिस तरह के जो बच्चे हैं गलत संगत में चले जाते हैं उनको किस तरह आप सर देखो, ये जो स्पोर्ट्स का माध्यम है ये इन चीज़ों से जो भटक रहे हैं हमारे जो नौजवान उनको सही राह पे लाने के लिए ये स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बिजवासन में बहुत अच्छी पहल है। हम चाहते हैं कि यहाँ से भी कोई नाम आगे चल के चले जो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल वगैरह लेके आए। जो दंगल हो रहा है हमारे जो पवन भाई हैं जो खुद खेलों से जुड़े रहते थे, खुद अच्छा क्रिकेट वगैरह खेलते थे, कुश्ती से भी काफ़ी लगाव था उनका, तो उनकी याद में जो हम दंगल आज करवा रहे हैं सभी मिलजुल के तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक उनको श्रद्धांजलि है हम सब की तरफ से। और ये हमने मैट की कुश्ती यहाँ पे जो करवा रखी है इसलिए कि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं रेसलर हैं उनको एक अच्छा मौका मिल सके, एक कंपटीशन मिल सके ताकि वो और आगे जाने के लिए उनको एक रास्ता मिल जाता है यहाँ पे खेलने से।